चेयरमैन IGSF जैनुल आबिदीन और सदर आसिफ अली शाह की सीनियर मेंबर IGSF और चीफ एग्जीक्यूटिव VN एकेडमी जिशान मंजूर हुसैन से वापडा टाउन CB यूनियन के दफ्तर में मुलाकात हुई। मुलाकात में IGSF स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2021 के लिए VN एकेडमी जोहर टाउन के साथ 30 तुलबा के लिए 9वीं और 10वीं जमात के लिए MOU साइन किया गया। जबकि IGSF टेलीविजन से बात करते हुए शुरुका का कहना था कि हम कम पैसों में मायारी तलीम फराहम कर रहे हैं। आज हमने यहाँ पर यह डिसाइड किया कि जो अकेडमीज जो है मतलब ज़्यादा पैसे लेकर स्टूडेंट्स को जो है वो कम मयार की स्टडी दे रहे हैं, आज हम जो है वो लो फीस के अंदर बच्चों को अच्छे मयार की स्टडी देने की तरफ जो है वो इंशाल्लाह ताला जा रहे हैं। और इसमें सैयद आसिफ अली शाह साहब जो कि सदर हैं तंजीम के और ज़िशान मंजूर हुसैन साहब जो कि एज ए मुखय्यर हजरात के तौर पर जो है वो तंजीम के साथ मुख्तलिफ जगहों पर तआवुन करते हैं, तो इन्होंने एक बड़ा खूबसूरत एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जहाँ पर हम बच्चों को जो है वो बड़ा ज़बरदस्त जो है वो एक सिस्टम देंगे और मतलब एयर कंडीशन जो है वो क्लास रूम्स दे रहे हैं, बच्चों को जो है वो एक अच्छी फैकल्टी के साथ जो है वो अच्छा सेटअप जो है वो दे रहे हैं। तो मैं एक दफ़ा जो है वो खासकर वापडा टाउन, जोहर टाउन और इस साइड के जो लोग हैं इनसे एक बार गुजारिश करूंगा कि जब आप अकेडमीज के लिए इवनिंग में निकलते हैं तो एक बार जो है ये एम्पोरियम माल के और मैं ये काम लेके चल रहा हूँ कि इस मिशन में पहली ईंट जो है वो शाह साहब ने लगाई है और मैं इनकी इस फेवर का इसमें बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि उन्होंने इसमें वापडा टाउन गर्ल्स हाई स्कूल के लिए ये मेरी बच्चों का सहारा बने हुए हैं। मैं इनसे उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला इनकी एकेडमी जो है ना वो कामयाब हो। कैमरामैन नुमान और सैयद दानिश रजा के साथ फाइजा अहमद IGSF सोशल मीडिया नेटवर्क।